देखिए, मैं कढ़ाई मैंने हीट होने के लिए रख दिया था गैस की फ्लेम ऑन करके। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधी कटोरी सरसों का तेल। तेल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तेल मेरा हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी आधी टीस्पून मेथी। मेथी मेरी हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूँ एक मैंने प्याज पीस के रखा था, अब मैं इसको डालूँ। और ये आधी टी स्पून हल्दी, आधे टी स्पून गरम मसाला, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और आधी टी स्पून नमक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ये देखिए मसाला मेरा अब भून चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। देखिए मसाला मेरा हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। मैं इसको करूँगी और अब मैं पैन गरम करके ऑमलेट बनाऊंगी। इसको जब भी हम बनाएंगे तो देसी घी या डाल आपके पास जो भी घी हो घी में बनाएगा, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। घी मेरा हो चुका है, अब मैं इसमें जो मैंने ऑमलेट चार अंडे तोड़े थे वो डाल दूंगी। अंडे जब भी आप घी में बना के मसाले में डालेंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। मैं इसको फोल्ड करूंगी।
इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। मैं चाकू से काट रही हूँ जिससे कि अच्छे से कट जाए। आप जितना पतला काटना चाहें काट सकते हैं। दबा दबा के कर दीजिएगा ताकि अंदर कच्चापन ना रहे उसके। ये देखिए मेरे अंडे सारे हो गए हैं। अब मैं कढ़ाई को फिर से चढ़ा दूंगी। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। देखिए ये मसाले मेरे हो चुके हैं, पानी भी। अब इसमें एक एक पीस करके अंडे डाल देंगे। इसमें जो तेल बचा है वो भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसको एक बार पलट देंगे। ये खाने में भी टेस्टी लगता है और जो लोग मछली नहीं खाते हैं उनको मछली के जैसा लगेगा। इसमें थोड़ा पानी मैं और डाल दूंगी। थोड़ी सी धनिया डाल देंगे घर। इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए मेरी इजी सी एक आमलेट करी बन के तैयार हो गई है।
आप भी बनाइएगा और बनाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी।